सनी बेकर्स केक्स की दुनिया का वन स्टॉप, जहां स्पेशल केक्स दस्तियाब। सनी बेकर्स पर स्पेशल ड्राई फ्रूट, रस मलाई केक और ओस्मानिया बिस्किट और दिगर वराइटीज भी मौजूद है। सनी बेकर्स, उपरपली, पिलर नंबर 206, हैदराबाद। को मैंने कफन के पैसे भेजे, मैयत की तफीन के पैसे भेजे मैंने। अगर मिसाल के तौर पर बेचता हूँ 80,000 रुपए तो 10 लोग मर रहे। अगर मैं बेचता हूँ 30,000 रुपए तो उसके हिसाब से लोग मर रहे। अगर मैं बेचता हूँ 50,000 रुपए तो सबसे लोग मर रहे। मेरा यह सवाल है इस कफन चोर से कि तुम जहां से कफन लियोगे उसका बिल तो होगा, तो मुझे कोई बिल क्यों नहीं पोस्ट करे, ना तुम अपने पेश पोस्ट करे, ना तुम मुझे दिखाए। पूछे तो मुझसे बोल रहे कैसी बातें कर रहे। और मेरा तुमसे यह सवाल है कि तुमको शर्म नहीं है कफन के पैसे खाते हुए? तुमको क्या गैब कैल में कितने बंदे मरने वाले और तुम खाली पेपर लिख के भेज रहे, लकड़ी के ऊपर पे मर गए, खाली पेपर पे मर गए, ऐसे कैसे मर गए? कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए ना, तुम फाउंडेशन चला रहे। और इस शख्स को मैंने कम से कम 50 से 60 मशीनें खरीद के दी, सिलाई मशीनें बहनों के लिए। ये मशीनों के पैसे मुझसे भी लेता रहा, बहन जो डॉक्टर सऊदी अरब में उनसे भी लेता रहा और वल्लाह आलम किसी से भी लेता रहा। तो ये शख्स को मैंने बंडियों के पैसे भी दिए और कई बंडियों के पैसे दिए और ये एक तस्वीर खींच के उसी को जांच के दोनों से, जैसे अगर इसके पास 5 डोनर्स है तो उन्हें 5 डोनर्स को डाल के उनसे पैसे लेता था। तो इस चोर को बराए मेहरबानी फंडिंग ना करें, तहकीक करें, अपने पैसे का ख्याल करें। अगर आप ऐसे चोर को अपने पैसे भेजेंगे तो ऐसा चोर और अपनी रेशो में पैसा लगाएगा और अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि हमारा पैसा उस गरीब तक पहुंचे जिसको उसकी जरूरत है। खबर मियां ये बोले कि मदरसा बनाता हूँ हाईटेक बोल के, मुझसे लोग पैसे लेते रहे महीना 8 लाख रुपए 2 सालों तक। ये दवा की दवा उसके मुझे गए। कमिश्नर साहब, मेरा एक चीफ साहब और एम के सबरा साहब, आपको मैं दवा चीजें देगा और जो सही होगी आपको भेजूँगा। आप कह लीजिए गरीबों का हक मारे, चंदा चोर गरीबों का हक मारे, गरीबों का हक मारे, इनके खिलाफ से चले जाए और मेरी मदद की। इस शख्स ने जब सलाह खाने के पास लड़ते हुए मेरा काम लिया, सलाम है इजाज़ उसको इजाज़ मेरा काम किया, काम से निकाल दिया। मुझे जब से मेरे पास आया तो मैं सलाह खाने देने गया था कि मुझे इनके खिलाफ सरकार रहा हूँ उस लड़के की 2 महीने की सैलरी भी शख्स लेके खा गया। जब बच्चा उससे पूछा तो मैं आज कल कल करता हूँ बोल टाइम लेकर जो दवाखाने चले गए इनको वल्ला आलम क्या बीमारी पड़ी, हार्ट अटैक आया, ब्लड प्रेशर हो गया, वल्ला आलम क्या हफ्ता चले गए। तो ये इनकी असलियत है।